जी, और कोई प्रश्न? हाँ, आपने शहद और घी के विरुद्ध बताए। शहद और घी, हाँ। हाँ, तो जैसे जन्म होता है तो बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है, एक ऐसा संस्कार है, तो वो कैसे? जी, ये जो संस्कार है ना, बच्चे को जन्म लेते ही शहद घी चटाने का, इस संस्कार को करते समय जो लोग हैं ना, कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत तकलीफ है। आयुर्वेद ये कहता है कि शहद और घी बराबर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है, लेकिन कुछ भारत में ऐसे समूह हैं जो अपने बच्चों को ये करते हैं, शहद और घी चटाते हैं, लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते, लेकिन जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा, ऐसे कुछ समूह हैं भारत में जो चटाते हैं, उनको मैंने पूछा तो वो मुझे एक इंटेलिजेंट उत्तर देते हैं, और वो बागवट जी का भी सही है। वो ये कहते हैं कि जी, हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोबर का रस डाला था। अब ये जो गाय का गोबर और गोमूत्र की जैसे ही बात आती है तो तुरंत मेरे ख्याल में आता पंचगव्य बनाते हैं ना, पंचामृत या पंचगव्य, तो उसमें शहद और घी भी होता है लेकिन गोमूत्र के साथ या गोबर के रस के साथ। फिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया कि ये गोमूत्र अगर मिला दिया शहद और घी में तो क्या इसकी विषकारकता कम हो गई? तो बाद में एक कल या नहीं तो परसों मैं इस पर विस्तार से आने वाला हूं कि गाय के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तैयार है, माने उनकी दुश्मनी कम है। माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर। यह सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विष के बीच में डालो तो दोनों को न्यूट्रल करता है लेकिन खुद का प्रभाव बढ़ाता है, तो सल्फर बढ़ता है। तो कुछ लोगों को मैंने पूछा जो ये कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम बच्चे को शहद और घी चटाते हैं लेकिन थोड़ा गोमूत्र देकर, माने थोड़ा गोमूत्र एक बूंद या आधा बूंद मिलाकर, तो शायद उनके लिए वो अनुकूल पड़ता हो। लेकिन आप ये ना करें, ये मेरी विनती है। आप इसको बच्चे को अगर चटाना है तो खाली घी चटा दें, अगर चटाना है तो खाली शहद चटा दें, शहद और घी मिलाकर ना चटाएं। एक ही कंडीशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंभीर रोग ना हो, अगर मान लो कोई बहुत गंभीर रोग है जिसमें विष ही देना है, मान लीजिए कई रोग ऐसे हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, ऐसे कई रोग हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, उस कंडीशन में जरूर बच्चे को दिया जा सकता है। जैसे एक बहुत खराब रोग होता है, कई बच्चों को होता है, जन्म लेते ही उनके शरीर का जो त्वचा है ना, उनका रंग बदलना शुरू होता है। कई बच्चों को मैंने देखा एकदम तांबई कलर के हो जाते हैं, ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर, तांबा, ताम्र, उसी रंग के बच्चे की स्किन होना शुरू हो जाती है। उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए वो काम आएगा। तो अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं।